शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको आसी शहीद का बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तंगदस्ती से, मुफलिसी से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, और जो बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुई हूँ, कल हम रात को शिफ्ट हुए हैं। तो मैंने कहा कि पहले हम नियाज दिला लेते थोड़ी सी, तो मेरे पास थोड़ी सी सूजी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि हलवा बना के बस अल्लाह ताला के नाम से शुरुआत करते हैं नए घर में, थोड़ी सी फातिहा दिला देते हैं, फिर खाना वगैरह पकाऊंगी। तो आपको घर दिखाती हूँ, देखें सारा सामान मेरा फैला हुआ है। ये देखिए, फ्रिज हमने रात को ही ऑन कर दिया था, और ये रूम है, सारा सामान इधर फैला हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादातर खाने की परेशानी हो रही है। और ये छत है, इस पर भी सामान फैला हुआ है हमारा। और ये देखें दूर तक, इसमें आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगी। तो चलते हैं पहले हम नियाज की तरफ। सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है और घी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो अभी मैंने एक ही चूल्हा सेट किया है, अभी ये बाकी है क्योंकि इधर टी वगैरह लगानी पड़ेगी, मैंने पता नहीं कहाँ सामान में रख दी है और अभी इस वक्त मिल भी नहीं रही। और ये किचन के साथ में ही ये विंडो है, और घर माशाल्लाह काफ़ी रोशन है और हवादार भी है। और हम लोग चौथी मंजिल पे आए हैं शिफ्ट होके, तो बस दुआ करें ये घर हमारे लिए खैर व बरकत वाला हो, आमीन। और अल्लाह ताला इसके बाद हम जितने भी बेघर हैं उन सबको हमें अपना घर अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये इलायची मैंने देखी फूट ली है, ये मैं डालूंगी, इलायची मैंने डाल दी है, और हल्का सा ये देखिए फौरन से हो गई। और मैं सूजी डालूंगी, बस सूजी घर में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी से हलवा ही बना लेते हैं, कि बस फिर खाना वगैरह भी पकाना है मेरे को। आप लोगों को तो पता है बाहर का एक तो जल्दी खाते नहीं हैं हम लोग, और महंगा भी पड़ता है इस महंगाई के दौर में। तो बस मैं जल्दी से झटपट करने वाला काम करूंगी, क्योंकि मेरे को पूरा घर समेटना है अभी, और जो कॉटन में और छोपरों में कपड़े रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, वो सेट करूंगी। थोड़ा सा मैं इसको घी डाल के भून लूँगी, ये सूजी डाल दी हूँ, सूजी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके साथ भून लूँगी और हमारा झटपट हलवा हो जाएगा तैयार, फिर उसके बाद हम चूल्हे पे खाना वगैरह पकाएंगे और आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह भी। तो देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, देखिए एक कप के बराबर, और इसको हल्की आंच पे कम से रखेंगे, थोड़ा सा और जाएगा पानी ना। तो ये देखिए मैंने दम पे रख दिया है, अजान हो रही है इस वजह से मैं खामोश हो गई थी, अब मैं आपको तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। वह बिल्कुल हो गया है तैयार, और मैंने अगरबत्ती वगैरह भी लगा दी है, प्लेट में डिश आउट कर लिया है, पानी रख दिया है। आप लोग भी कह रहे होंगे इतने दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, इससे पहले मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आप लोग सब मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर मेरे को घर शिफ्ट करना था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो अगर अच्छी लगती है ये तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हुए जाएं। और हम सब के लिए दुआ करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक नई सी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।